नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कोर्ट में केस जीतने के बाद पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, रुका हुआ पैसा जल्द दिलाने की मांग। उज्जैन में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद पुलिस विभाग द्वारा उन्हें कुछ राशि दी जाती है, जो कि गलत जानकारी विभाग में पहुंच जाने के बाद रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि नहीं मिल सकी थी, जिसके बाद सभी ने कोर्ट की शरण ली थी। आज कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में फैसला आने के बाद सभी रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही अपनी राशि दिलवाने की मांग की। ऐसा आज आप एसपी साहब से मिले, क्या मामला है पूरा? हमारे जो है उनका जो पैसा मिलता है लास्ट में, उसमें कुछ रिटायरमेंट के बाद उसमें कुछ पैसा हम लोगों का जो है, कई करीब हमारे 20-25 साथी हैं, उनका उसमें जो है पैसा कट गया है, ज़्यादा पैसा कट गया है। तो हम लोग न्यायालय गए थे, तो न्यायालय से उसमें आदेश हो गए, उसको हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और उनको हम जो है पत्र के माध्यम से, पुलिस पेंशन संघ के पत्र के माध्यम से अवगत कराए। कितने कर्मचारी है? करीब 53 कर्मचारी। कितना पैसा कटा है करीबन? किसी का अब वो सबका अलग अलग के, हाँ फिर भी 2 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000, 70,000 है, 80,000 है, सब। तो ये सिर्फ उज्जैन में है कि बाकी पूरे? नहीं, ये हमारे यहाँ जैसे किसी का एग्रीमेंट गलत लग गया, किसी का, क्योंकि इस हिसाब से काटा है पैसा, लेकिन हम लोग न्यायालय गए तो वहाँ से न्यायालय द्वारा उस पैसे को माफ कर दिया गया है, आदेश कर दिया है यहाँ से कि ये वापस दिया जाए पैसा। आपका नाम और पद? पुलिस पेंशन संघ अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया, पुलिस पेंशन संघ अध्यक्ष उज्जैन। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।